अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ किचन फूड जायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मा। तो आज की हमारी मजेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये है चने छोले विद बटर। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार होते हैं। आप लोग इसको चपाती हो या पराठा हो या पूरी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप इसको चने छोलों को खा सकते हैं। जब भी आपका चटपटा खाने का मन होता है, इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो में बताऊंगी कि चने छोले देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम ये चना। जी हाँ, ये काबुली चना कहते हैं इसको। तो मैंने इसको भिगा कर रख दिया है, तो 8 घंटे मैंने इसको भिगा कर रख दिया था मैंने। जी हाँ फ्रेंड, तो एकदम अच्छे से ये फुले फुले हो चुके हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर मैंने चनों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चनों के अंदर हम सारा पानी उसका जो वॉश करे वो निथार देंगे, अच्छे से निकाल दिया है मैंने। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम 2 ग्लास वाटर। जी हाँ, तो 2 ग्लास हम वाटर इसमें अच्छे से डाल देंगे। जी हाँ, तो अब हम इस कुकर के लीड अच्छे से लगा देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पर 2 से 3 पिंच जितना नमक ऐड करूंगी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक 2 से 3 पिंच जितना, क्योंकि ये हमारे चने जो बॉईल हो रहे हैं नहीं तो फीके रह जाएंगे। फिर भी हमको बाद में नमक इसमें ऐड करना है, तो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस नमक को अच्छे से हमने डाल दिया है, तो हम कुकर को अच्छे से लीड लगा देंगे। जी हाँ, तो इस कुकर को हम गैस पर रखेंगे, सिर्फ 2 सीटियाँ तक हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, कुकर को रख दिया है, तो 2 सीटियाँ तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो हमारे 2 सीटी हो चुके हैं, तो हमारे जो चने हैं अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आइए चलिए अब हम इसको साइड में रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टमाटर, इसको अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है मीडियम साइज की बड़ी वाली प्याज, इसको मैंने अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर। जी हाँ, इसको मैंने अच्छे से धोकर, 1 कप कोथमीर है, धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पुदीना, इसको भी अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 हरी मिर्च, एक में से इसको आधे आधे, एक में से 2 पार्ट मैंने कर चीरा लगा कर रख लिया है। तो आइए चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम इसमें डालने वाले हैं ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, तो ये 2 टेबल स्पून, तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। तो ये कम्प्लीटली हो चुका है 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। जी हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा लिया था इसीलिए कम्प्लीट नहीं हुआ था। तो ये अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। जी हाँ, तो हम इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, इसको हल्का सा गोल्डन कलर आया था, हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, तो हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर हल्के से चेंज हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे साथ में ही 2 टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से धोकर चॉप करके रख लिया था। तो साथ में ही डालेंगे हम करी पत्ता। जी हाँ, तो ये है 6 से 8 करी पत्ता पीसेस। जी हाँ, देखो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ में ही हम डालेंगे मसाले। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 1 टीस्पून जितना फ्रेंड्स। जी हाँ, तो अब हम ले लेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून जितना, तो नमक ले लेंगे 1 टीस्पून जितना। जी हाँ, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो अब हमने सारे मसालों को अच्छे से डाल दिया है, तो हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए हल्का सा इसको अच्छे से भून लेंगे, टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं होते इसको हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितना। जी हाँ, तो अब हमने सारे मसालों को अच्छे से इसके अंदर भून लिया है। देखिए, तो आप देख सकते हैं टमाटर भी हल्के से हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और हम इस टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। अब तो हम इसके ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे इसको, और 30 सेकेंड्स के लिए और भून लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो हमारे पूरे 1 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, सारा मसाला इसमें अच्छे से ऐड हो चुका है। तो हमारे जो बॉईल किए हुए हैं चना, वो चने हम इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे और इसको अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो मैंने सारे चनों को इसके अंदर डाल दिया है, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ कोथमीर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कोथमीर। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा
पुदीना, जी हाँ। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जी हाँ। तो अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, दिखने में ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब, इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सर्दी का मौसम चल रहा है, चटपटा खाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको भिगाना अगर आपको बनाना है मॉर्निंग में, तो आप इसको रात में इस चने को भिगो कर रख सकते हैं, मॉर्निंग में फिर आप फ्रेश फ्रेश बना सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि चनों के अंदर पानी था, इसलिए हमने पानी को बिल्कुल भी नहीं डाला था। यहाँ पर अब हम डालेंगे छोले मसाला है, ये 2 टीस्पून जितना, जी हाँ। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जी हाँ, तो चटपटा कभी आपका फ्रेंड्स का मन होता है इस रेसिपी को बनाइए। देखिए तो यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 1/2 ग्लास वाटर। जी हाँ, तो यहाँ पर अब हमने 1/2 ग्लास वाटर इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दिया है। देखिए तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। हमने इसके ऊपर कवर कर दिया है, 4 मिनट के बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट मैंने आपसे कहा था, तो 3 मिनट में ये परफेक्ट अच्छे से हो चुके हैं। तो इसके अंदर ऑब्जर्व भी हो चुका है, पानी तो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, खाने में लाजवाब। तो आप लोग इसको पराठे के साथ हो, या चपाती के साथ हो, या पूरी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। जी हाँ, तो गर्मा गर्म छोले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आइए चलिए गर्मा गर्म छोले हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, फाइनली हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, तो ये है चने छोले विद बटर। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।